हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे हार्टली फीलिंग्स, जानेंगे आपके पर्सन के आपको लेकर राइट नाउ क्या है, दिल से कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन, द गार्डनर, compatibility, abundance, commitment, wow, okay, and emotional freedom. Oh my god, yin and yang की energy आ गई है यहाँ से। येस, यू आर इन द स्पिरिचुअल कनेक्शन विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, और ये जो पर्सन है इसके साथ काफ़ी टाइम से हो आप कनेक्शन में, चाहे आपको कमिटमेंट नहीं मिला, अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिला है। और सॉरी फॉर द नॉइज़ जो पीछे से आ रहा है, मैंने आपको बताया था मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है अभी, और थोड़ा टाइम चलेगा, मतलब एक हफ्ते तक तो ये चलेगा। पहले दूसरों के घर में हो रहा था, मेरे घर में खुद हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी आपको, अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है आपको, और आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। देखो, बिजी अपने करियर में भी हो सकते हैं, लेकिन एक जिस तरीके से ही अपने आप को उन्होंने बिजी रखा है ना, आपसे बात ना करना या आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाना, इसके पीछे का एक रीज़न तो ये है, इसको इमोशनली फ्री होना है। ये नहीं चाहते कि आप भी ना इनको किसी भी तरीके से कंट्रोल करो। ये अपनी धुन में चलने वाला इंसान है, ठीक है, और मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि ये आपको धोखा दे देगा। अगर ये अपनी धुन में चलना इसे पसंद है, तो कभी मन में आया तो आपसे बात कर ली, नहीं है तो नहीं बात करनी या किसी और से बात करनी, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप, ठीक है। इसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसके दिल में ट्रू फीलिंग्स अगर आई, जैसे कि अटैचमेंट वाली, या फिर किसी को हक कर रोना है, तो वो चीज़ें ये सिर्फ आप ही के साथ करना पसंद करेंगे, फिर चाहे ये लड़की है या लड़का है, ठीक है। वो वाइब ये सिर्फ आप ही के साथ फील कर सकते हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये भी आपको इमोशनली कंट्रोल करें और आप इनको करो, ठीक है। इस टाइम राइट नाउ ये इनके दिल में है, चल ही रहा है, कभी ना कभी 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 इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत सोच रहे हैं। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज़ जब हम एक दूसरे के लिए हैं और हम एक दूसरे को अपनी लाइफ दे रहे हैं, तो इस तरह से इमोशनली भी अटैचमेंट कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी इनको लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मेरी लाइफ कंट्रोल हो रही है, मुझे किसी के कंट्रोल में रहना नहीं है, ठीक है, मुझे फ्री फील करना है, कुछ इस तरीके की बात भी है। तो अभी हेडेक होता है, ठीक है, दिमाग में बहुत ज़्यादा हेडेक है, इक्वेशंस बन रही है, ये सारी बातें सोच सोच कर। तो एक तो करियर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में ये पता है अब क्या कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया है और अपने चाक्रास बैलेंस कर रहे हैं। ये अपना हार्ट चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा और अपना सैक्रल चाक्रा बैलेंस कर रहे हैं आपके लिए, क्यों, ताकि इस कनेक्शन में अबंडेंस मिले। ये क्यों, क्या, कैसे, कब तक, किस लिए वाले क्वेश्चंस उनको हटाने हैं इस कनेक्शन में से। कभी भी ये खुद से बिना पूछे कि मैं अपने इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा पोसेसिव क्यों हो रहा हूँ, या मुझे इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है, मुझे इतना पागलपन क्यों हो रहा है सामने वाले पर्सन को लेकर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग से निकालने हैं इस पर्सन को, और एक अच्छी पीसफुल लाइफ आपके साथ जीनी है, अबंडेंस फील करना है, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि अभी तक दी नहीं है इन्होंने, और जब तक ये वाले क्वेश्चंस इनके माइंड से निकलेंगे नहीं, तब तक ये आपको कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे। तो इसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये कमिटमेंट, और देख रहे हैं आप कितनी कितनी शिद्दत से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं मतलब काम में। द गार्डनर, एक माली जो होता है वो बहुत मेहनती होता है,
एक किसान बहुत मेहनती होता है, अपना गार्डन डेकोरेट कर रहे हैं. सो यस, इट इसका मतलब ये नहीं कि सच में ये कुछ ऐसी जॉब करते हैं, नहीं, ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिविटी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं अपने खुद के दिल में, खुद के माइंड में. क्यों? क्योंकि आपके साथ इसका कनेक्शन ही स्पेशल है ना. आप जन्मों जन्मों के साथ ही रहे हो, आप बहुत लाइफ साइकिल्स आपने साथ बिताई हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी है इसके साथ, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है. ये खोना चाहते नहीं हैं आपको किसी भी तरीके से, लेकिन जब ये पास होते हैं तो इनको लगता है मैं पास क्यों हूँ. ठीक है, मुझ पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं. लेकिन जब दूर चले जाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, फिर ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं. तो ये ही एक ट्रू साइन है कि पास भी नहीं आना, लेकिन जब दूर जा रहे हैं तो घबराहट हो रही है. ठीक है, डर लग रहा है कहीं सामने वाले को मैं खो ना दूँ, मेरा प्यारा सा पर्सन जो है मैं उसे खो ना दूँ. ठीक है, कुछ इस तरह की वाइब. तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर फील करते हैं, उनके दिल में यही सब कुछ है आपको लेकर. थोड़े कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, बट टाइम लगेगा, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं ना, दूर तो नहीं भाग रहे. आपको एकदम टाटा बाय बाय तो नहीं बोल दिया ना, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, इट्स टोटली फाइन. ये ऐसा होता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को ताकि अबंडेंस मिले और आप दोनों की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन को लेकर वो सब खत्म हो जाए. आपके साइड से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपके पार्टनर को अभी ठीक से ना कमिटमेंट वाली स्टेज पर नहीं आ पाए हैं. जब ये आएंगे ना, आप देख लेना, जब ये कमिटमेंट वाली स्टेज पर आएंगे ना, ये रोएंगे आपके सामने और रो कर अपनी सारी फीलिंग्स बताएंगे. क्योंकि जब इंसान रोता है तो वो सच बोलता है रोते हुए. ये वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ये पर्सन रोएंगे आपके लिए. यू विल सी दिस थिंग वन डे. बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कनेक्शन को लेकर और बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बनती है इसके माइंड में. क्यों है, किस लिए है, अभी तो फिलहाल यही हो रहा है. समझ है, नॉलेज है, क्यों मिले हो, किस लिए भगवान ने मिलाया, सब कुछ पता है, बट स्टिल कंफ्यूज्ड हो रहे हैं. बट ये बहुत जल्दी एक डिसीजन लेंगे. ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डिसीजन लेंगे, सो डोंट वरी. एंड वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल में ही छुपी बैठी हैं, अभी तक रिवील नहीं करी है, डिसेप्शन है यहाँ पर. बट ये आपको भी बहुत संभाल कर रखेंगे, आप ये चीज़ ध्यान रखना. जस्टिस एंड स्टार एंड वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स. ये भी कमिटमेंट का ही कार्ड है, टू बी ऑनेस्ट, कमिटमेंट का कार्ड है ये. और या स्टार से मुझे लगता है ये पर्सन सच में अब कमिटमेंट के बारे में सोचने लगे हैं, इसको अब फाइनल करना है आपके साथ. आर या तो प्यार ही निकल रहा है, पार नहीं निकला मेरे मुंह से, प्यार. देखो फाइनल में तो ऑब्वियसली लव है, ऑब्वियसली लव, ये छूटने वाला कनेक्शन है ही नहीं आपका. ठीक है, और लेकिन हाँ, ये अपनी बातें, अपने दिल की बातें आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. अभी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो वेट पर लगाया हुआ है कि आप वेट करो, मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जब आएंगे तो फिर आप देखना और ज़्यादा अच्छा चेंज. मुझे लगता है इस पर्सन के साथ एक बहुत लंबा सेपरेशन आपने पहले भी देख लिया है. और तो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर सेपरेशन से आप निकल कर आए हो, जब आप सेपरेशन से पहले बात करते थे एक अलग ही लेवल था आपके कनेक्शन का. लेकिन जब आपने सेपरेशन देखा, एक साल का, दो साल का, तीन महीने का, चार महीने का, पाँच महीने का, ठीक है, जब आपने इतने महीनों का या एक दो साल का सेपरेशन देखा है और फिर जब बाद में आपकी मुलाकात इस पर्सन से हुई है, अनदर लेवल पहुंच गए आप अपने कनेक्शन में. आपका बॉन्ड, आपका ट्रस्ट, ठीक है, बिल्कुल एक अनदर लेवल, एक अलग ही लेवल पर चला गया, यानी कि बहुत ऊपर. तो यानी कि ये सेपरेशन कितना वर्थ ही रहा ना, आपको और करीब लेकर आया है ये सेपरेशन. तो अगर दोबारा से छोटे छोटे सेपरेशन आ रहे हैं तो आप माइंड में ये फिक्स रखिए कि जब आपका फिर से यूनियन होगा तो एक अनदर लेवल पर पहुँचोगे, और ऐसे कर 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 ही कमिटमेंट तक जाओगे आप. तो यू आर इन द प्रोसेस, सो डोंट वरी. ओके, दो कार्ड एक साथ हैं. यस, अभी इस टूटे हुए दिल को हील करो, अपने आप को परेशान मत करो कि मेरे पर्सन मुझे प्यार नहीं करते या फिर इस तरह की सिचुएशन मुझे देखने को मिलती है. आपको भी इस चीज़ से हील और ओवर थिंकिंग से बचना है, बिकॉज एट द एंड आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी. डोंट वरी,
ठीक है, आपको अपने आप को इस ब्रोकन हार्ट वाली फीलिंग से बाहर निकालना है. यू आर वेरी स्ट्रांग और आप कर सकते हो, तो करो इस चीज़ को. आप अपने आप को हीलिंग, अपनी हीलिंग बराबर रखो, अच्छे से अपने आप को, अपने हार्ट को हील करो, ठीक है. क्योंकि सेपरेशन में आप दोनों ही खुश नहीं हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दुखी हो, आपके पार्टनर भी दुखी हैं, ठीक है. बट क्या करें, वो उनको मैनिफेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मैनिफेस्ट किए नहीं हो सकता. लव योर सेल्फ फर्स्ट, वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आ गया है. तो ये अपने आप से इतना प्यार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपसे भी प्यार करते हैं. तो अब आप देखना, ये जब आपका यूनियन होगा ना, ये आपको पहले रखेंगे, ठीक है. और ये इंगेजमेंट का थर्ड कार्ड आ गया है जो मुझे कमिटमेंट दिखा रहा है. हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट यहाँ पर शो हो रही है. तो आपका योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि आप कमिटमेंट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो उस कनेक्शन में, ठीक है. योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो येस, आपकी शादी तक जाएगी ये बात. इसके दिल में मैरिज को लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है. ओके, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है. ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, यही आपसे प्यार नहीं करते. इनको पता है आप इनका प्यार डिजर्व करते हो, आप बहुत प्यारे हो और लवेबल हो, ठीक है. इस तरीके से सोचते हैं. कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, क्या मैसेजेस आपकी पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए. ये देख लेते हैं. यू आर माई सोल मेट, यू आर माई सोल मेट. सोल वाइफ तो पहले से ही आ रही है यहाँ पर. इसको पता है आप इसके सोलमेट हो, आपका सोल कनेक्शन है. देखा, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी. आप चीज़ें करते हो उसको खुश रखने के लिए, इसको खुश करने के लिए. यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन. आप इसके रिस्पेक्ट करते हो, इसे प्यार भी करते हो. एंड यू नेवर गिव अप ऑन मी. आप कभी गिव अप नहीं करोगे, ये बात भी पता है इस पर्सन को. कहीं नहीं जाओगे. यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन. आपने इस पर्सन को एक पॉजिटिव पर्सन बनाया है. आपकी वजह से ही तो चेंजेस आ रहे हैं ना जिंदगी में, इतने पॉजिटिव चेंजेस. यू आर वाइज एंड विटी, यू आर वाइज एंड विटी. वाओ, आपके लिए तो, इस पर्सन के लिए आप इंटेलिजेंट भी हो. यू लव मी. कंपैटिबिलिटी तभी तो है ना. एंड यू ब्रिंग पीस टू मी. आप इसकी लाइफ में पीस लेकर आते हो. यू ब्रिंग पीस टू मी एंड यू लुक डीप इन टू माई आईज. आप इसकी आंखों में बहुत गहराई से देखते हो, ठीक है. एंड यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल. आप दोनों मिलकर किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. दैट इज़ वाई ना कंपैटिबिलिटी का कार्ड है. तो यस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट अगर सेपरेशन है तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो पैनिक नहीं होना, आप भी अच्छे से मैनिफेस्ट करो, खुद को समझाओ, ठीक है. अपने लाइफ में आप भी स्ट्रांग बनो, अपने चाक्रास को बैलेंस करो, और जल्दी ये सेपरेशन खत्म होगा और आप फिर से बात करेंगे, ठीक है. दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.